हे गाइस, व्हाट्स अप? क्या हाल चाल? कैसे हो यार आप लोग? हाउ यू गाइस? कैसे हो यार आप लोग? ऑल गुड, बढ़िया, बिंदास। तो हम आ गए हैं आपके प्यारे ए स्क्वेयर। तो एक लाइक तो बनता है सर, आके आती आप लोग ने, सर ने लाइक मांगना शुरू कर दिया। पर ना आपका लाइक है ना हमारे लिए, पता क्या होता है हमारे लिए, इट्स लाइक यू नो एक प्यार। तो जब आप लाइक करते हो ना तो हमें ऐसा फील होता है कि यार हमारी एक फैमिली है और बच्चे हमें इतना प्यार करते हैं ना, वो एक कनेक्शन बन जाता है, उसका तो कोई है ही नहीं। मतलब क्या बताऊं आपको, है ना? तो आप समझ रहे होंगे, इसी वजह से शायद मैं हमेशा आता हूं और आपको बोलता हूं कि आपका एक लाइक हमारे सीधे दिल में जगह बनाता है। सो थैंक यू सो मच गाइज। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? प्लीज आप मुझे ये एक बार कंफर्म कर दो। तो कैन यू हियर मी, सी मी? अब तो मैं बड़ा हो गया भैया हनुमान जी के जैसा। ओके गाइस, व्हाट्स अप? कैसे चल रहा है आप लोगों का प्रिपरेशन? अच्छा, पहले अपने सवाल पूछ लो। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं नीट से रिलेटेड? काफी बच्चों को इंतजार था, तो पहले आज मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देता हूं। आप लोगों में से अगर कोई सवाल पूछना चाहता है, क्योंकि अभी भी मेरे पास लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, आज भी कोई फैसला नहीं आया नीट को लेके, बाय द वे, है ना? सो मैं फिर से एक ही बात बोल रहा हूं कि ये कहने वाले सब हैं कि एग्जाम मत दो, मत दो, मत दो, घर पे बैठ जाओ। आप बस ये सोचो कि वो आपको घर पे बैठने को, एग्जाम ना देने को क्यों बोल रहे हैं। उनकी मंशा जानो आप, बाद में पता लगे उनको कोई नुकसान नहीं है, नुकसान सारा का सारा आप ही को होगा। समझ में आ रहा है? तो आप जरा सोच समझ के दूसरों के बहकावे में मान ना आए, और बस आप ये भी सोच लें कि हम तो ये कह रहे हैं कि एग्जाम होना चाहिए, लेकिन बाकी, और बाकी तो कह रहे हैं एग्जाम ही नहीं होना चाहिए। तो देखो, सही गलत की परख सबको होती है। हम कह रहे हैं एग्जाम होना चाहिए, मैं तो कहता हूं ऊपर वाला जो है इतनी दुआ करे कि एग्जाम समय से हो, ठीक है? सब भले चंगे होके एग्जाम आसानी से दें। बाय द वे, मैं आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, 10th के कर्नाटका के एग्जाम शुरू हो गए हैं, बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इनफैक्ट मैंने आज ही फेसबुक पे देखा था, ठीक है? सो सब कुछ ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को, कई बच्चे ऐसे जिनको कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो गई, अब उनको बाहर निकलने का मन ही नहीं है। तो एक्चुअली उनको बाहर निकलने का मन नहीं है, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं अपना तो नीट में कोई सिलेक्शन होना नहीं है, तो वो बच्चे कोरोना को एक शील्ड बना के ऐसा कर रहे हैं कोशिश की नीट कैंसिल ही हो जाए। बट जो जिनकी तैयारी है ना बच्चों, जिन्होंने तैयारी कर रखी है, मेरे ख्याल से वो बच्चा कभी नहीं चाहेगा कि उसका नीट का एग्जाम, वो देना चाहेगा नीट का एग्जाम, वो कभी नहीं चाहेगा नीट का एग्जाम कैंसिल हो। और आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि चाहते हैं कि उनका नीट का एग्जाम सर हो जाए, और हम लोग देना चाहते हैं? बहुत सारे रीजन है बच्चों, जो लोग आपको बोलते हैं ना कि एग्जाम कैंसिल करवा दो, कैंसिल होना चाहिए, और जो कोरोना का नाम लेते हैं, उनमें से ना 2% या 5% लोग ही जेन्युइनली कोरोना से डरते होंगे, बाकी सब इस वजह से बोलते हैं क्योंकि उनको कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना है ना, उनकी तैयारी ही नहीं है नीट की। इसलिए तो जो पढ़ने वाला बच्चा है, मुझे नहीं लगता कि उसको कोई प्रॉब्लम है। और पढ़ने वाला बच्चा तो चाहेगा एग्जाम हो, कैसे भी हो, ठीक है थोड़ा आगे जा सकता है, मे बी पोस्टपोन हो जाए, लेकिन कैंसिल मत करवाओ। लेकिन काफी सारे लोग तो कैंसिल करवाने की बोल रहे हैं। सो वो नहीं होना चाहिए, कैंसिल नहीं होना चाहिए एग्जाम, क्योंकि, और मेरा एक सवाल भी है आप लोगों से, और जो एग्जाम चाहते हैं ना, लिखो #iwantexam, #iwantexam लिखो। और मेरा एक सवाल है आपसे, आप लोगों का, ज्यादातर लोगों का ये कहना है, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, जेन्युइन क्वेश्चन है, आप में से ज्यादातर बच्चे कोरोना नीट का एग्जाम क्यों कैंसिल करवाना चाहते हैं? क्योंकि वो कोरोना से डरते हैं। मेरा सवाल ये कि क्या आप लोग अभी बाहर नहीं निकल रहे हो? चलो मेरा सवाल ये भी नहीं है, बाहर तो सारे निकल रहे हैं, ये तो आपको भी पता है ना। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, भगवान करे आप डॉक्टर बन जाओ, ये तो मैं दिल से चाहता हूं, लेकिन मान लो आपके डॉक्टर बनते ही इस देश में और पूरी दुनिया में वापस कोरोना जैसा कोई वायरस आ गया, तब भी क्या आप लोग भाग जाओगे? आप डॉक्टर बनने वाले, डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है, आज जितने डॉक्टर है ना वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इस वजह से लोगों की जान बचाई जा सकती है, बचाई जा रही है। आपको बता देता हूं, इंडिया में कोरोना से जितने मरीज बचे हैं उनका जो उनका रेशियो 56% हो गया, 56% लोग ठीक हो चुके हैं। हर कोई ये कहेगा कोरोना के इतने मरीज हैं, ये नहीं बताता कि कोरोना से होने के बाद कितने मरीज ठीक हो गए। और आपको बता देता हूं, जाके एक बार गूगल पे सर्च करो, अगर
4.5 लाख लोगों को इंडिया में कोरोना हुआ, तो उसमें से 2.5 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। रिकवरी रेट 56% है। ये कोई नहीं बताता, सबको नीट का एग्जाम कैंसिल करवाना है। अब पीछे की मंशा को जानो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जरा सोचो। वो आपको घर बिठाना चाहते हैं ताकि आप लोग घर बैठे रहो, और कईयों ने तो यूट्यूब चैनल इन्हीं दिनों में शुरू किए हैं ताकि आप घर बैठो और उनके यूट्यूब चैनल देखो और उनसे वो कमाए। और हम चाहते हैं कि आपका एग्जाम समय से हो ताकि आप लोग फ्री हो जाओ और अपनी नई जिंदगी, डॉक्टर बनने की जो आपकी आपकी उम्मीदें हैं उसको पर लगें और आप डॉक्टर बन के बाहर निकलो, ताकि आप देश की सेवा करो। अगर 5-7 साल बाद जब आप डॉक्टर बन जाओ, मान लो कि ऐसी कोरोना वाली प्रॉब्लम दोबारा आ जाए, तो क्या आप घर पे बैठोगे? और ऐसे डॉक्टर बनने का क्या फायदा है? जब आप आज कोरोना से इतना डर रहे हो, तो आप डॉक्टर बनोगे और तब क्या आप सेवा करने के लिए बाहर निकलोगे? तब तो आप ये 6 साल बाद अपने बच्चों को क्या कहोगे, या फिर जो जिनको कोरोना हो जाएगा उनको क्या कहोगे? मैं तो 6 साल पहले ही बाहर नहीं निकला था, अब मैं काहे की सेवा करूं? सो ये नहीं है ना, डॉक्टर का काम है बचाना, जिंदगी बचाना। और आपसे बहुत बार सब लोगों ने कहा है, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करोगे, मुंह पे मास्क लगाओगे, हाथ को सैनिटाइज करोगे, तो आपको कोरोना हो ही नहीं सकता। तो जब आपको प्रिकॉशन पता है तो आपको डरने की क्या जरूरत है, मेरा सवाल है। तो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। जो लोग, एक और बात बता देता हूं, कई यूट्यूब के चैनल वाले ऐसा कह रहे थे 23 को फैसला आने वाला है, पोस्टपोन हो जाएगा, 23 को आया नहीं, बोले अब तो 25 को आने वाला है, 100% आएगा, 25 को भी कोई फैसला नहीं आया। कई लोग ऐसा यूट्यूब पे बोलते हैं, हमने हैशटैग चलवा दिया, नीट कैंसिल होएगा ही होएगा। मेरा सवाल यह कि क्या ये देश ट्विटर पे हैशटैग चलाने से अपनी नीतियां बनाएगा और बदलेगा? क्या देश ऐसे चलाए जाते हैं? क्या देश की नीतियां ट्विटर पे हैशटैग बनाने से चलाई जाती हैं? और पढ़ने वाले बच्चे मुझे जवाब दो, आप लोगों से मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता कि आपका साल बर्बाद हो रहा है? जबकि आपको पता है कि आप सुबह शाम, आपके पापा, आपकी मम्मी, आप खुद 3 से 4 बार घर से बाहर निकलते हो नकाब लगा के। मैं आपको बता देता हूं, मैं मेरी बात बता देता हूं, मैं खुद भी घर से बाहर रहता हूं 2 से 3 घंटे मेरे काम के लिए, और उसमें मैं क्या करता हूं, काम तो सारी दुनिया। अच्छा, आप एक और सवाल बच्चे पूछते हैं, कई बच्चे सवाल क्या पूछते हैं, सर 16 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, 16 लाख बच्चे बाहर निकलेंगे तो क्या होएगा? एक मिनट रुको, हिंदुस्तान में पॉपुलेशन 121 करोड़ है, उस 121 करोड़ का 16 लाख का मतलब समझते हो 0.1% भी नहीं है, 0.1%। और अभी लॉकडाउन कहीं नहीं है, जब 121 करोड़ लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, कोई घर पे काम कर रहा है, कोई घर से बाहर काम कर रहा है, सब जगह काम हो रहा है, घर से बाहर भी लोग निकल रहे हैं, 60-70 करोड़ लोग तो डेली बाहर निकल रहे हैं, तो 16 लाख का आंकड़ा, और जिसमें भी 10-12 लाख बच्चों ने एग्जाम देने हैं, वो क्या आंकड़ा बड़ा है? और क्या ऐसा थोड़ी होगा कि इंडिया में एक ही जगह से 16-15 लाख बच्चे बाहर निकलेंगे? वो पूरे इंडिया के फॉर्म भरे गए हैं, और एक स्कूल में मुश्किल से कोई 300 बच्चों का नंबर आएगा, एक स्कूल में 300 बच्चों का नंबर आएगा। तो क्या शांति से आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए, मास्क लगा के, सैनिटाइज करके, क्या आप एग्जाम देने नहीं जा सकते? ये जो लोग है ना यूट्यूब पे पागल बना रहे हैं, कई लोग मैंने सुना, अरे मेरे तो पड़ोस में इतने मरीज हैं, पक्का नीट कैंसिल होगा। अरे तुम्हारे पड़ोस में नीट थोड़ी हो रहा है, क्या नीट का एग्जाम तुम्हारे पड़ोस में हो रहा है जो तुम बोल रहे हो पक्का नीट कैंसिल होगा? क्या इंडिया छोटा सा है? अजीब सी बातें। और मैं आपसे कहता हूं 121 करोड़ तो मैं गलत बोल गया, बच्चे बता रहे 138 करोड़ है, तो 138 करोड़ का 16 लाख कितना होता है, कितना परसेंट होता है? 0.1% भी नहीं होता होगा। उतनी पॉपुलेशन को संभाले, और एक स्कूल में 300 बच्चे पेपर देने जाएंगे, क्या हम इतना काम भी नहीं कर सकते क्या? किसको पागल बना रहे हैं बाकी यूट्यूब वाले, मुझे समझ में नहीं आता। बट मैं आपसे कहता हूं, आप जागरूक हो जाओ, क्योंकि आपको घर पर बिठाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी रोजी रोटी आपके घर के बैठने से चलेगी। जब आप घर पर बैठोगे, इनके यूट्यूब के वीडियो देखोगे। अच्छा, अब आप कई बच्चे ये भी सवाल पूछ सकते हैं मुझसे, सर आपकी भी तो रोजी रोटी हमारे देखने से चलती है। बिल्कुल सही बात है बेटा, आप लोग देखते हो वीडियो तभी चलता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने ऐसे दिन भी देखे हैं जब हमारी वीडियो को 50 बच्चे भी नहीं देखते थे, हमारे वीडियो पे 50 व्यू भी नहीं आते थे। मैं 4 साल से हूं यूट्यूब के अंदर, मैं कोई अभी क्वारंटाइन में नहीं आया हूं, 4 साल से यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं, और मैंने 50 बच्चों को भी पढ़ाया है, और मैं चाहता हूं, और मैं 50 बच्चों को पढ़ा सकता हूं, तो मेरी कोई लालच नहीं है किसी को बिठाने की। इसलिए मैं कह रहा हूं आपका टाइम से एग्जाम हो जाना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका टाइम से एग्जाम होगा तो आप दूसरी दुनिया को देखोगे। ये जितने भी हैं आपको घर पे बिठा के अपनी वीडियो दिखा दिखा के आपको पागल कर देंगे। वही सितंबर अक्टूबर तक एग्जाम जाएगा, क्या सितंबर अक्टूबर तक आप नीट की तैयारी करते रहोगे? सवाल है मेरा आपसे। और क्या यह सच्चाई नहीं है?
आप लोग मुझे एक बार चैट में लिख के बताओ, जो लोग आपका नीट का एग्जाम कैंसिल करवाना चाहते हैं या पोस्टपोन करवाना चाहते हैं, उनके पीछे की मंशा आप जानते हो? वो ये चाहते हैं आप घर पे बैठे रहो, उनकी वीडियो देखते रहो और तैयारी करते रहो, और बाद में नीट का एग्जाम कैंसिल कराने को भी उनका बस चले तो वो करवा दें। क्या फायदा है? आपका साल खराब होगा। और मैं कहता हूं छोड़ो दूसरे की मंशा, आप अपनी मंशा की बात करो। क्या सच में आप कोरोना के डर से, ईमानदारी से जवाब देना, मेरी आंखों में आंखें डाल के जवाब दो, क्या सच में आप लोग कोरोना के डर से नीट का एग्जाम नहीं दे रहे? इंसान सबसे झूठ बोल सकता है, खुद से झूठ नहीं बोल सकता। मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चों की तैयारी नहीं है, इस वजह से वो देना नहीं चाहते हो, कोरोना की आड़ में छुप रहे हैं, वो लोग नीट का एग्जाम कैंसिल करवाना चाहते हैं। और ये सच है, झूठ मत बोलना। कई लोगों को ये लगता है बारहवीं में हमारे को परसेंटेज है, अगर नीट की सीट मिल जाएगी तो इससे अच्छा क्या होगा। बेटा उससे तुम्हारा तो भला हो जाएगा, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जो साल साल भर से तैयारी कर रहे हैं? सोचा है कभी? और डॉक्टर बनना, इतनी बड़ी डॉक्टर बनना मतलब आपको आपको भगवान का दर्जा मिलेगा, आप लोगों की जान बचाओगे। और जो बच्चा जिसके 50-60% भी नहीं है, और अगर उसका डॉक्टरी में डायरेक्टली एडमिशन करवा दें, आप खुद बताओ बिना चेक किए कि वो उसके लायक है कि नहीं है, क्या ये सही है? क्या हमारे हिंदुस्तान, हमारे देश के लिए सही है? क्या आपको नहीं लगता कि डॉक्टर एक जिम्मेदारी का पद होता है और उसमें वही बैठना चाहिए जो लायक है, उसके जो मेहनत करके आया है? या ऐसी बांट दे, बंदर बांट है क्या कोई? और जो लोग ऐसा बोलते हैं, देखो मैं एक बात बताता हूं, एक सेल्फिश होना अच्छी बात है, लेकिन सेल्फिश होके ना लोगों का नुकसान करना गलत बात है। आप सेल्फिश होके लोगों का नुकसान मत करो। मैं तो नहीं चाहूंगा मेरे भारत का, मुझे मेरे भारत में, मेरे इंडिया में, मेरे हिंदुस्तान में, मुझे ऐसे डॉक्टर नहीं चाहिए जो झोला छापो, मुझे अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर चाहिए, और वो मेहनत करके ही आएंगे, तो हम लोग एग्जाम क्यों नहीं देना चाहते? अब हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, मेरे को ना बचपन से मेरी मम्मी बहुत अच्छी लगती थी, पता है क्यों? क्योंकि मुझे लाड प्यार से ही कहती थी बेटा आराम कर। मैं कहता मम्मी तबीयत खराब है, स्कूल जाने का मन नहीं है, बोलता कोई बात नहीं बेटा आराम कर। लेकिन मेरे पापा मुझे बड़े बुरे लगते थे, क्यों? क्योंकि वो लात मार के उठाते थे, निकल काम कर, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। और मेरे को बड़ा बुरा लगता था, मुझे मेरे पापा इसलिए बुरे लगते थे, बोलते काम कर जाके, कोई तेरी बीमारी नहीं है, जा काम करेगा ठीक हो जाएगा। मतलब मैं, मेरे पापा की शॉप है, कई लोगों को ऐसा लगता है मैं बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आया हूं, मेरे पापा की शॉप है, और मैं शॉप पे मैंने अपनी 10वीं क्लास तक मैं दुकान पे बैठता था, शॉप जानते हो तुम्हें पता नहीं उसको दुकान बोलते हैं, शॉप पे बैठता था। लेकिन मैं आपको आज एक ईमानदारी से बात बताता हूं, आज मैं जो कुछ भी हूं ना, मेरे पापा के धक्के देने की वजह से हूं। मेरे पापा ने बोला काम कर, काम करेगा तभी कुछ सीखने में आएगा, और आज मैं जो कुछ भी हूं उस काम करने की वजह से हूं। इसलिए ना आप ये मत सोचा करो, अगर हम कह रहे हैं तुम्हारा टाइम से एग्जाम होना चाहिए तो हमको लोग बुरा बोल के चले गए। और मम्मियां तो भूत हैं, पूरे यूट्यूब पे मम्मियां ही मम्मियां भरी हुई हैं, पूरे यूट्यूब पे मम्मियां भरी हुई हैं, वो कहती है बेटा आराम करो, क्या करोगे नीट का एग्जाम देके, समझ रहे हो? आराम करो बेटा, क्या करोगे नीट का एग्जाम देके, हम कैंसिल करवा देंगे, हम पोस्टपोन करवा देंगे, बेटा आराम करो। ये मम्मियां बहुत हैं, हमारी भी सुन लो। हम कह रहे तुम्हारा एग्जाम 26 को होना चाहिए और तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए, तुम्हारे फ्यूचर की बात है बेटा, उनको कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा साल खराब हो जाएगा, उनको कुछ नहीं जाएगा, हमें अच्छे डॉक्टर चाहिए, उनको कुछ नहीं जाएगा, तुम बैठ बैठ के सिर्फ उनके उनके यूट्यूब के वीडियो देख देख के उनको पैसा देते रहोगे और कुछ नहीं है। सच्चाई है, अंदर की सच्चाई जानो, जो तुमको कह रहा है ना कि पोस्टपोन कराते हैं चलो या नीट कैंसिल करवाते हैं, बेटा वो यही चाहते हैं तुम घर पे बैठे रहो जिंदगी भर और उनकी वीडियो देखते रहो, जिनसे उनके तो जेबों में पैसे भरेंगे और तुम्हारा नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि तुम तो घर पे बैठ के क्या करोगे और कुछ कर नहीं सकते। ये पागल बनाने वाले काम बंद करो। और जो ऐसा बोलता है ना कि पोस्टपोन करवा दो या कैंसिल करवा दो, उसको बोलो भाई मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं पढ़ के एग्जाम दे रहा हूं और मैं एग्जाम दूंगा, और मैं भावी डॉक्टर हूं, कोरोना से डर के नहीं भागूंगा, मुझे पता है मास्क लगाऊंगा, अगर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करूंगा, हाथ को बार बार साफ करूंगा, मुझे कोरोना नहीं होगा। मेरे पापा काम पे जा रहे हैं, मेरी मम्मी काम पे जा रही है, मेरा भाई काम पे जा रहा है, मैं डेली 4 बार बाहर निकलता हूं, भाजी लेने जाता हूं, दूध लेने जाता हूं, कोरोना हुआ क्या तुम लोगों को? और अगर तुमने और सावधानी बरती तो तुम्हें कोरोना होगा क्या? किसको पागल बना रहे हैं हम? और आप जाके जो बोलते हैं कोरोना इतना बढ़ रहा है, बेटा कोरोना वहां बढ़ रहा है जो 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 सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे, जो नियमों को मान नहीं रहे, वहां पर कोरोना बढ़ रहा है।
आप जाओ, मैं बताता हूं, मेरे मॉम डैड सूरतगढ़ रहते हैं, जिसको नहीं पता, वहां पर एक सिंगल केस नहीं है भाई। ऐसे गांवों में जाओगे और नीचे वहां सिंगल केस नहीं है कोरोना का। किसको पागल बना रहे हैं हम लोग? तो मेरी आपसे गुजारिश है, जो YouTube पे ऐसा बंदा बोलता ना, ओ मेरा तो दिल ही टूट गया, कैंसिल हो जाना चाहिए था, कल न्यूज आ जाएगी बच्चों, उनको बोलो भाई बहुत हो गया, कितना उल्लू बनाओगे, कितना उल्लू बनाओगे। और जिस दिन मैंने 4 दिन पहले एक सेशन लेके बोला था कि तुम्हारा नीट का एग्जाम होना चाहिए, मुझे बच्चों ने इतना बुरा बुरा कहा, क्या तुम्हारे पापा अगर तुम्हें कहते कि जा काम कर और मम्मी कहती आराम कर, तो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बुरे हैं? लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जिंदगी में तुम कामयाब होगे तो तुम काम करे इस वजह से होगे, आराम करे इस वजह से नहीं होगे। इसलिए आपके पापा बुरा नहीं चाहते आपका, जैसे हम आपका बुरा नहीं चाहते, हम चाहते हैं 26 को एग्जाम हो, भगवान करे सब ठीक हो जाए, घर पे कब तक बैठे रहेंगे? तुम ऐसा क्यों नहीं बोलते हो? तुम भगवान से प्रार्थना क्यों नहीं करते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, सर 26 जुलाई को हमें एग्जाम देना, हम कब तक पागल बनाते रहेंगे? और मैं आज ये सेशन लेना चाहता था लेकिन मैंने डायरेक्टली नहीं लिया, मैं आपको इस सेशन में बोल रहा हूं ये बात, तो मेरी बात को पहुंचाओ दूर तक, लोगों को बताओ सच्चाई क्या है, किस तरह से लोग पागल बना रहे हैं। इसलिए छोटी छोटी सी बातें बोलता हूं, चार। पहला सवाल तो अपने आप से पूछो, अपने आप से आज ईमानदारी से पूछना एक बात भाई, तो मुझे शीशे में खड़े हो जाना और एक बात पूछना, तो सच्ची बता, तू कोरोना के डर से एग्जाम नहीं देना चाहता कि नीट की तेरी तैयारी नहीं है इस वजह से एग्जाम नहीं देना चाहता? नंबर वन, पहला सवाल तुम अपने आप से पूछोगे। दूसरा सवाल उस चैनल के टीचर से जाके पूछोगे कि भैया तुम क्यों चाहते हो हम घर पे बैठे, उससे पूछना भैया तुम क्यों चाहते हो हम घर पे बैठे, ये बता तो दो। क्योंकि कई टीचर तो सिर्फ इस क्वारंटाइन के टाइम पे फेमस हुए हैं, या पढ़ाना चालू किया या फिर यूट्यूब का चैनल खोला उन्होंने, क्योंकि उनको पता है तुम चले गए तुमका चैनल कौन देखेगा, तुम घर पे रहोगे तुमको देखने को मिलेगा। सच्चाई ये भी है, सिक्के का दूसरा पहलू है ये। अब आपको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सोचो कि जो आपका माइंड वॉश करते हैं उनको कुछ नहीं रहेगा, तुम्हारा साल खराब होगा। और नंबर तीन, सिर्फ इतना सवाल पूछना, क्या मेरी मम्मी काम पे जाती है, क्या मेरे पापा काम पे जाते हैं, क्या मेरा भाई काम पे जाता है, क्या सर घर पे सब्जी भाजी आती है, क्या दूध आता है, क्या डॉक्टर काम कर रहे हैं, क्या बैंकर काम कर रहे हैं, क्या राशन वाला काम कर रहा है, क्या तुम्हारे यहां आसपास काम हो रहा है, क्या लोग बाहर निकल रहे हैं, क्या सरहदों पर फौजी खड़े हैं, क्या पुलिस वाले पहरा दे रहे हैं। तो जब सारी दुनिया काम कर रही है, सारी दुनिया को डर नहीं है, तुम्हें काय का डर है? और अगर तुम्हें डर है तो क्या तुम डॉक्टर बनने लायक हो? क्योंकि आज से मान लो 10 साल बाद वापस कोरोना आ गया तो तुम डॉक्टर बनोगे, तुम तो भाग जाओगे घर पे। अब समझ में आई तो ये शेयर करना और उन लोगों तक पहुंचाओ जो पागल हो चुके हैं कि नीट को कैंसिल करवाएं। अभी समझ में आ गया? सही बात है गलत बात है, चैट में लिख के बताओ, जिसको सही लगा लाइक करो और शेयर जरूर करना कि यू वांट एग्जाम, वी वांट एग्जाम। एग्जाम कभी भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो तो हमारी सरकार का फैसला है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सपोर्ट तो करो उनको ताकि वो एग्जाम करवा पाए। और तुम जाके फेसबुक पे देख लो, कर्नाटका में 10वीं क्लास के एग्जाम हुए आज, जो वो छोटे छोटे 10वीं क्लास के बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, तुम तो 12वीं में हो, डॉक्टर बनने वाले हो यार, 10वीं क्लास के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं यार। चलो अब शुरू करते हैं सेशन को, ये सच्चाई बतानी जरूरी थी इसलिए मैंने आपका टाइम लिया। मेंटी पर चलते हैं, आज का जो एम्स वाया नीट है वो मेंटी पर होगा, उसका कोड बता देता हूं 136799 136799 136799, ये कोड है, अपन चलते हैं आज हम लोग एम्स वाया नीट, क्योंकि आपको पता है कि नीट में इस बार एम्स की सीटें भी हैं, तो हमें उसकी तैयारी साथ में करनी पड़ेगी। आज का मेंटी कोड है 136799, ये कोड लगाओ फटाफट से पहुंच जाओ, ठीक है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं, मेरे प्यारे बच्चे पहुंच गए होंगे आई नो। चलिए तो अब हम सेशन को शुरू करते हैं और आई थिंक आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, और जाओ फटाफट से शेयर करो इसको, लोगों को सच्चाई बताओ, मैं यही चाहता हूं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अपनी फैमिली को अपने परिवार को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, डू सब्सक्राइब द चैनल, ये अपना फैमिली है, अपना परिवार है और हमें इसे आगे लेके जाना है, समझ में आता है, हमें इसे आगे लेके जाना है, ठीक है, तो जरूर लेके जाओ। और मैं कहता हूं तुम तो डॉक्टर बनो ही, फटाफट से 2020 का एग्जाम दो,
तुम्हारे जूनियर, तुम्हारे छोटे भाई बहन को 2021 का एग्जाम देना है, कहीं ये ना हो जाए कि तुम 2021 में एग्जाम दे रहे हो। एक साल खराब होगा, वक्त की कीमत बहुत होती है। और कुछ नहीं होगा, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, जिसके कर्म अच्छे हैं उसको कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। सिर्फ ध्यान रखो कि मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करो, बार बार अपने चेहरे को मत छुओ, बस सब ठीक होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए उसके आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए, वैसे बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो अनइंटरप्टेड 90 आवर्स की हमारी वेदांतों पे क्लासेस हो रही हैं, क्रैश कोर्स को लेके। आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं और रैंक बूस्टिंग क्विजेज होते हैं, टेस्ट भी करवाए जाते हैं अगर आप चाहते हैं तो। आई एम नॉट फोर्सिंग यू, अगर आप चाहते हैं तो बेटा जरूर लो। नीट का क्रैश कोर्स है आपके लिए, और ये नीट का क्रैश कोर्स मात्र 3,999 रुपए का है, जिसका कोड आपको दिया हुआ है AA2020। अगर आपको लगता है तो आप जरूर लो। इसका लिंक मैं आपको दे रहा हूँ vdnt.in/neetcc, ये लिंक है, जाओ फटाफट से ले लो अगर आप चाहते हो तो। और दूसरा, फ्री मॉक टेस्ट हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, 8वां मॉक टेस्ट अब करवाने वाले हैं, और ये एब्सोल्युटली फ्री है। बाय द वे आपको बता देता हूँ, हर संडे अपने चैनल पे फ्री में मॉक टेस्ट होता है, ठीक है, जिसका कोई चार्ज नहीं होता। तो ये मॉक टेस्ट सीरीज जो कि फ्री में चल रही है, उसका अगला एग्जाम अब संडे को होगा, 28/6/2020 को आप दो। इसके अलावा ये आज के सेशन की डिटेल, अगर आपने अभी तक भी कोई सेशन मिस किया है तो आप लोग जरूर देखो, दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। एंड गाइस, हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना। तो वेदांतु नीट ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, इसको ज्वाइन करो, और बहुत ऑसम ग्रुप है जिसको 25,000 बच्चे, 24,000 करीब बच्चे अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक भी नहीं किया तो कर लो यार, काम आएगा। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं आप क्वेश्चन को, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चे आई थिंक पहुंच ही गए होंगे, तो कौन कौन पहुंच गए एक बार चैट में लिखो कि सर मैं तो पहुंच गया, आप कहां हो। चलो तो फटाफट से अब हम लोग बच्चों का वेट कर लेते हैं। चलिए तो आप लोग याद रखिएगा, menti.com पे जाना है, कोड है आपका 136799, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की डिस्कशन भी करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन की डिस्कशन भी है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से पहुंच जाओ। ओके, तो टोटल 900 स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया, तो फटाफट से पहुंच जाओ, ठीक है। चलिए, कूपन कोड मैं आपको दे चुका हूं, सॉरी कूपन कोड नहीं है, ये मेंटी कोड है, दैट इज 136799। चलो तो मैं पहला सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कैन वी स्टार्ट मेरे प्यारे बच्चों। ओके, 550 बच्चे हो चुके हैं, लेट्स डू अ मैजिक, स्टार्ट द सेशन। चलिए पहला सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल। सवाल कहते हैं, अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल XeO3, XeO4 एंड XeF6, दोज हैविंग सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन XeR, XeP पे किसके अंदर सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, बट एट द सेम टाइम सिंपल भी है, और सिंपल क्वेश्चन से अपन लोग शुरू कर रहे हैं आज के सेशन को। मचा दो फटाफट से, देर मत लगाना, क्या बात है। तो मैंने आपको बता दिया रियलिटी क्या है, रियलिटी चेक करके, और बस समझदारी से काम लो, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए तो इसका आंसर है, कितने बच्चों देते हैं, ओके ओ गलत, 105 बच्चों ने गलत दिया। अब अपनी तैयारी देखो, इतने आसान सवाल को 105 बच्चों ने ठीक किया है मात्र। अब बस अब आप सोच लो जो मैं बात बोल रहा हूं, अपने आप से एक सवाल पूछना बस, कि तू नीट का एग्जाम क्यों नहीं देना चाहता, तुझे कोरोना का डर है कि तुझे नीट का तैयारी नहीं है उसका डर है। और अगर नीट की तैयारी नहीं है उसका डर है, उसकी वजह से तुम कैंसिल करवाना चाहते हो, तो बच्चों बेटा देश तो इस तरह से भावी डॉक्टरों को खो देगा। अब आप सोचो कि भावी डॉक्टर हमें ज्यादा जरूरी है, गलत सोच के साथ आगे मत बढ़ो। जो चीज हमें नहीं मिल सकती, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को नहीं मिलनी चाहिए, वो गलत बात है। यहां पर आंसर इसका होगा डी मनी डॉग। अब क्यों आया मैं आपको समझाता हूं। अगर आप बात करो XeO3 की, तो XeO3 में तीन ऑक्सीजन है, और आपको भी पता है कि एक ऑक्सीजन के साथ दो इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड होते हैं, तो तीन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपको यह भी मालूम है कि एक्जी के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 में से 6 चले गए, तो क्या हुआ, एक लोन पेयर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर। XeOF4 में भी देखो, 4 इलेक्ट्रॉन उसने F के साथ लगा दिए, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन उसने O के साथ लगा दिए, 6 ही यूज हो रहे हैं, तो लोन पेयर कितने बचे, 8-6 यानी कि 1। अब XeF6 पर आ जाओ, FZX6 में 6 इलेक्ट्रॉन उसने फ्लोरीन के साथ शेयर किए और ऑक्सीजन है नहीं, तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो 8-6 कितना होता है, अगेन यहां पर 1 ही तो है। तो यहां पर देखो, इतने आसान सवाल का जवाब भी आप लोगों ने नहीं दिया, जो कि एम्स का सवाल था। एक्चुअली आंसर इसका आएगा 1, 2, 3 ऑल,
सभी में ही एक एक लोन पेयर है। एंड वेरी सैडली आई एम सेइंग कि आप लोग गलत जवाब देके इसका सवाल का जवाब भी गलत दिए हो। 105 बच्चों ने ही ठीक दिया है, गलत बात। मेंटी पे जाओ, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 136799 कोड लगाओ, 136799 कोड लगाओ। दूसरा सवाल कहता है द मास ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टल रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 750 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.6 कैपिटल एम मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन इज। अब काफी बच्चे डर जाएंगे और इसको देख के सोचेंगे कि ये क्या सवाल है, हमें तो मोहर सॉल्ट भी नहीं पता। बट ये सवाल बेहद आसान है, बेहद। गर्म पानी दे दो प्लीज। चलो, तो बेहद आसान सवाल है पोटेशियम डाइक्रोमेट का। आप लोगों को क्या दे रखा है यहां पर, मोलर मास और मोहर सॉल्ट का भी मोलर मास दे रखा, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है। अब बच्चे डरेंगे, ये सवाल नहीं होगा क्योंकि मोहर सॉल्ट नहीं पता, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा एक इसकी। हमें मोहर सॉल्ट को जानने की कोई खासी जरूरत है नहीं। अब देखो यहां पर भी 160 ही बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, तो इसका मैं जवाब देता हूं आपको, इसका आंसर देना कैसे था। आप लोग पहले एक क्वेश्चन चेक करो, सबको क्वेश्चन मालूम पड़ गया, सबको पहले क्वेश्चन मालूम पड़ गया या तो आपको मैं क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले तो आप ये भूल जाओ, पता नहीं मोहर सॉल्ट क्या होता है, हमें तो मालूम नहीं, उसका लेना देना ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में कौन पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, ये पार्टिसिपेट करेगा Cr2O7-2, यही तो है, या K2Cr2O7 को भी कह सकते हो, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब मोहर सॉल्ट में खास बात यह होती है कि मोहर सॉल्ट में जो है Fe+2 आयन, भूल जाओ मोहर सॉल्ट क्या है, बस ये याद रखो कि Fe+2 आयन होता है, वो यहां पर रिएक्ट करता है Cr2O7-2 से, ठीक है। और ये Fe+2 किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Fe+3 में ऑक्सीडेशन होगा। और आपको भी पता है इस बात का कि Cr2O7-2 जो आपको दिखाई दे रहा है वो किसमें कन्वर्ट होगा, Cr+3 में, ठीक है। ये तो आपको मालूम होगा कि क्रोमियम जो है +6 से +3 में जाता है, इतनी सी बात है। अब आप जरा ध्यान से समझना, सिर्फ इतनी सी बात भी पता है तो आप इसको सोल्व कर सकते थे, और ये कोई हार्ड चीज नहीं है। कई बच्चों को लगता है कि ये हार्ड है, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अब यहां पर जरा देखो, एक क्रोमियम प्लस के 6 से कहां जा रहा है, +3 पर दिखाई दे रहा है। दो क्रोमियम में चेंज कितने का आएगा, अगर एक में 3 का आ रहा है तो, एक क्रोमियम प्लस के 6 से +3 पर जा रहा है, तो क्रोमियम में चेंज आ रहा है 3 का, तो दो क्रोमियम के हिसाब से 6 में 6 का चेंज आएगा, 6 का डिक्रीमेंट हुआ। एक क्रोमियम जो है, दोबारा समझा देता हूं, +6 से +3 पर जा रहा है, तो एक क्रोमियम के हिसाब से 3 का चेंज आ रहा है, तो 2 के हिसाब से कितना आएगा, 6 का चेंज आएगा। और Fe1+2 से +3 पर जा रहा है, तो 1 का इंक्रीमेंट आ रहा है। अब ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बराबर करना है, तो आप क्या करोगे, यहां पर 6 लगा दो आगे। अगर मैंने यहां पर 6 लगा दिया तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बराबर हो गया, तो 1 × 6 क्या हो गया, 6। 6 का इंक्रीमेंट और 6 का डिक्रीमेंट बराबर हो गया। अब आपको स्टोइकियोमेट्री मिल गई इसकी, इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 1, इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 6। अब मतलब समझो, अगर आपने एक पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया तो आपको 6 मोहर सॉल्ट लेने पड़ेंगे, आया समझ में, ये तो हमको मालूम पड़ गया। अब आप जरा चेक करो आपके पास है ना पोटेशियम डाइक्रोमेट है कितने, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट निकालने के लिए मोल्स ऑफ निकालने पड़ेंगे ना, मोल्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, Cr2O7-2 के मोल्स कितने, मोल कैसे निकालते हो, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, ये तो पता होगा। मोलैरिटी कितनी दे रखी है आपको, 0.6, वॉल्यूम कितना दे रखा है, ये दे रखा है 750 सेंटीमीटर क्यूब, उसको लीटर में कन्वर्ट करो तो 750/1000 हो जाएगा, ये 750/1000, तो ये आपकी क्या आ गई, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, आया सबको समझ में, इसको थोड़ा सोल्व कर लो, ठीक है। 25 × 75, 25 × 100, तो ये हो गया, और यहां पर पॉइंट हटा दें तो नीचे 40, तो 6 × 18/40, तो ये हो गया 9/20, ठीक है, 9/20 आ रहा है मोल्स। अब आप सोचो, जब आपके पास, ध्यान से समझना, आपको पूछा गया कि द मास ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टल रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज, अच्छा ये मोहर सोल्ट के, सॉरी ये मोहर सोल्ट के दे रखे हैं आपको, ये मोहर सोल्ट के, ये मोल्स आपने निकाले हैं मोहर सोल्ट के, मोहर सोल्ट के आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट पूछा कितना चाहिए। अब आप जरा सोचना, ध्यान से समझना, 6 मोहर सोल्ट के लिए आपको एक पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए, तो एक मोहर सोल्ट के लिए आपको 1/6 चाहिए रहेगा, समझ में आ गया, तो 9/20 के लिए कितना चाहिए, 9/20 के लिए 1/6, ठीक है, × 9/20, ये आपके मोल्स आए हैं। इसको किसको, मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे, सही है, मोल्स इंटू मोलर मास आपको क्या दे देगा, ग्राम में वैल्यू दे देगा। मोलर मास पोटेशियम डाइक्रोमेट का कितना दे रखा है, 294 से इसको मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। और अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले है। तो फाइनली जो आंसर इसका बन रहा है, ये 294 क्या है, इसका पोटेशियम डाइक्रोमेट का मोलर मास है, तो ये तो मोल्स निकल के आ गए, इतने मोल चाहिए। दोबारा समझाता हूं, 6 मोल
मोहर सोल्ट के लिए आपको एक मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए, तो एक मोल मोहर सोल्ट के लिए 1/6 चाहिए। आपके पास मोहर सोल्ट कितना है? 9/20 के लिए कितना चाहिए? 1/6 × 9/20। इसको ये तो आगे इतने मोल्स चाहिए, उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। मोल्स इंटू मोलर मास क्या होता है? वेट। क्योंकि मोल्स कैसे निकालते हो? वेट बाय मोलर मास। तो अगर वेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? मोल्स इंटू मोलर मास। आया समझ में? तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 2.05। इस तरह से आपको आंसर निकालना है। अब मान लो किसी को इतनी जिज्ञासा है मोहर सोल्ट बता दो, तो ये देखो मोहर सोल्ट का फॉर्मूला है FeSO4.NH4 2SO4.6H2O। ये मोहर सोल्ट का फॉर्मूला है जिसमें FeSO4 दिख रहा है जो कि प्लस के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। तो नॉलेज पूरी है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन देखो ज्यादातर बच्चे जो है रुकते नहीं है, भाग जाते हैं। कौन नॉलेज लेगा? नॉलेज ले लो तभी काम आएगा। चलो तीसरे सवाल की तरफ मूव करते हैं। अब आप लोग मेंटी पर जाइए, कोड लगाइए 1367 99 1367 99, ये कोड लगाइए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपसे सवाल पूछा गया है Cr2O7-2 कुछ पीएच के बाद CrO4-2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर कुछ पीएच के बाद ये वापस Cr2O7-2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपसे पूछा कि पीएच एक्स और वाई का वैल्यू कितना है। ब्रिलियंट क्वेश्चन है, मेरी तरफ से फुल मार्क है इसको। ब्रिलियंट क्वेश्चन है, देखिए कितने लोग आंसर करते हैं। नॉलेजेबल क्वेश्चन है ये। अब आप देखो, मैं आपसे कहा था, मैंने कहा था नीट की तैयारी किसकी नहीं है वो गिरिबान में झांको। 152 बच्चों ने आंसर दिया है मात्र इस क्वेश्चन का, है ना? तो मैं इसका जवाब दे रहा हूं। पहले तो आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर पीएच की वैल्यू 4 या 5 है, अगर पीएच की वैल्यू 4 या 5 है, इसका मतलब क्या हो गया? ये तो 4 या 5 दोनों ही कैसे हो गई? एसिडिक मीडियम हो गया। अगर पीएच की वैल्यू 4 है तो वो एसिडिक मीडियम, और अगर 8 है तो बेसिक मीडियम। अगर पीएच की वैल्यू 8 है तो बेसिक मीडियम, और 4 है तो एसिडिक मीडियम, और 8 है तो बेसिक मीडियम, 9 है तो बेसिक मीडियम। आपको पीएच का ग्राफ तो आता होगा सबको, पीएच का ग्राफ क्या होता है? अगर पीएच 1 से लेके 14 तक है तो 7 पर न्यूट्रल होता है, आगे जाओगे तो बेसिक होता है, पीछे आओगे तो एसिडिक होता है। और आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर जिसको नहीं पता, अब आपकी जानकारी के लिए आप समझो, जो लोग सुन रहे हैं ध्यान से सुनना, आपको पता होना चाहिए डाइक्रोमेट आयन जो है क्रोमेट आयन में कन्वर्ट होता है अगर आप मीडियम बेसिक रखो तो, और वापस से वो क्रोमेट आयन डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप एसिडिक रखो तो। तो ये आपको बेसिक और एसिडिक आंसर कहां मिल रहा है? मात्र सी में, क्योंकि देखो 8 बेसिक है, पीएच 8 बेसिक होता है, और पीएच 4 क्या होता है? एसिडिक। बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन था, ठीक है? तो आप लोग प्लीज ये याद कर लो। आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि डाइक्रोमेट क्रोमेट के कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप मीडियम बेसिक रखोगे तो, क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा मीडियम एसिडिक रखोगे तो। आया समझ में? चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल था, और अगर किसी के +4 मार्क आए तो लिखो एक बार चैट सेक्शन में। चलिए लीडर बोर्ड चेक कर लेते हैं, और मैं कहता हूं इंटेलिजेंट बच्चा वही होगा जो पूरे 20 के 20 सवाल करके जाएगा, ये तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि बच्चा वही इंटेलिजेंट जो पूरे 20 के 20 सवाल करके जाएगा। 30 सवाल हो चुके हैं। चलिए, तो टॉप पे एल्सा, उसके बाद है थिंकी, उसके बाद नेहा शर्मा, संभव जैन, मैनचेस्टर यूनाइटेड एफसी नीट 2021, डॉक्टर सेंटीपेड, आदर्श श्रीवास्तव, श्वेता, अंकुश राठौर एंड नताशा मेहरा। क्या बात है! अब अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगला सवाल पूछा गया, इन द इक्वेशन आइडेंटिफाई द मेटल एम, इस इक्वेशन में मेटल एम की आइडेंटिफिकेशन करनी है, क्या होगा वो? गोल्ड होगा, आयरन होगा, जिंक होगा, कॉपर होगा, क्या होगा? गोल्ड, आयरन, जिंक, कॉपर, क्या होगा? चौथा सवाल है हमारा, देखिए कितने लोग इसका आंसर करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इंटेलिजेंट बच्चा वही होगा जो नीट का एग्जाम देना चाहता है और सवाल सही करेगा, ठीक है? तो करो आराम से बैठ के और एग्जाम देने की कोशिश करो। चलो फाइनल आंसर है गोल्ड। अब आप लोगों ने बाजी मारी है, आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, बहुत बढ़िया, अभी तुम ठीक जा रहे हो। ये कौन सा प्रोसेस है? इसको बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस, याद है? दिस इज कॉल्ड लीचिंग प्रोसेस। और लीचिंग प्रोसेस में हम लोग किसको ज्यादातर,
जो आपकी प्रोमिनेंट मेटल्स होती हैं लाइक सिल्वर लाइक गोल्ड, उनका रिएक्शन आप किससे करवाते हो? सोडियम साइनाइड से, याद है, जिससे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए? एयू। एफ का नहीं करते, जिंक का नहीं करते, कॉपर का भी नहीं करते। बहुत बढ़िया, आंसर आपने करेक्ट दिया। अब हम पांचवें सवाल की तरफ मूव कर रहे हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। और मैं आपसे अभी भी कहूंगा, इंतजार मत करो, मेंटी पे खेलो, क्वेश्चन का आंसर दो। 13, 67, 99। अब अगला सवाल, द पॉलीमर यूज्ड एज पैकिंग, ये बायो वाले बच्चों को पता होना चाहिए, पैकेजिंग मटीरियल इन ऑर्थोपेडिक, क्योंकि ऑर्थोपेडिक बनोगे, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस एंड फॉर कंट्रोल्ड ड्राई रिलीज इज केवलर, पीएचबीबी, ग्लिप्टल या बेकलाइट। तो दिस इज द क्वेश्चन, देखिए कितने लोग आंसर करते हैं। बहुत बढ़िया, द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑर्थोपेडिक। लोग जो है ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस के लिए बेसिकली पीएचबीबी का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए था। बायो के बच्चों को स्पेशली, वो डॉक्टर बन रहे हैं, उनको तो मालूम होना चाहिए था, है ना। पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, को हाइड्रोक्सी वलरेट, ये है। बहुत बढ़िया, पांचवें छठे सवाल पर चलते हैं फटाफट से, सिक्स क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन करके जाने, इंटेलिजेंट बच्चा वही होगा जो कि 20 के 20 सवाल अटेम्प्ट करेगा। छठा सवाल, इन द केमिकल रिएक्शन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर, ये जो केमिकल रिएक्शन दिख रही है इसमें ए और बी क्या है? दैट इज द क्वेश्चन। मेरी चीजों को शेयर जरूर करना बाकी बच्चों से, ताकि नॉलेज पहुंचे बाकी बच्चों के पास भी, अंधेरे में ना रह जाए, उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। छठा सवाल जो है बेसिकली, उसका जवाब मैं आपको देता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अभी तुम लोग लाइन पे आ चुके हो, अभी तो बच्चे एकदम जोर शोर से आंसर कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये एनिलीन है, और एनिलीन की रिएक्शन जब आप NaNO2 और HCl से कराते हो तो क्या बनेगा यहां पर? यस, क्या बनेगा? डायजोनियम सोल्ट, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनेगा। N2 पे क्या आएगा? प्लस, और इस Cl पे माइनस। अब आप ये HBF4 का काम ही है कि फ्लोरीन प्रोवाइड करेगा, ये नाइट्रोजन वहां से बाहर निकल जाएगी, HCl बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा यहां पर? फ्लोरो बेंजीन बन जाएगी। बड़ा ही कॉमन था, और काफी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, दैट इज रियली लाइकेबल। तैयारी करोगे, सही आंसर दोगे तो बल्ले बल्ले होगा ही। अच्छा, किस किस ने यहां पर +4 मार्क बनाए हैं, मतलब किस किस का सही था, एक बार चैट सेक्शन में मुझे स्माइली देके बताओ, कौन कौन यहां पर। लाइक जरूर करना, अगर आपको अच्छा लगा हो क्वेश्चन तो लाइक करो और स्माइली देके बताओ। छठे सवाल के बाद अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, क्या बात है, क्या बात है। डोंट वरी बेटा, डोंट वरी, लीडर बोर्ड जरा चेक करते हैं कितने बच्चों ने फोड़ा। अगर आप अभी खेलना चाहते हो तो मेंटी पे जाइए, 13, 67, 99 कोड लगाइए। डॉक्टर प्रियांशु सिंह राव, ये लड़का टॉप पर है, इसने आगे नाम के आगे डॉक्टर लगाया है। मेरे डॉक्टर बच्चे, ईमानदारी से बताना, तू नीट का एग्जाम देना चाहता है क्या? और क्या तुझे नहीं लगता कि जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है, जो सेवा करना चाहता है, क्या उसे कोरोना से डरना चाहिए? नहीं, उसे एहतियात बरतनी चाहिए और अपना एग्जाम देना चाहिए। जब हमारे डॉक्टर जो बन चुके हैं डॉक्टर, वो सेवा कर रहे हैं मरीजों में अंदर जाके, तो हमें क्या एग्जाम भी नहीं देना चाहिए प्रिकॉशन लेके? डॉक्टर प्रियांशु, जवाब तुम अपने मन से पूछो। अनबु, मारो मुझे मारो, क्या खुशी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, शिवांक, कार्तिक, जय जगन्नाथ, उसके बाद है शुभकांता और एकांश गुप्ता, ए स्क्वायर, सर यू आर राइट। एक और बात बताता हूं तुम्हें, अभी 10th का एग्जाम हुआ कर्नाटका में, लेकिन उसके साथ साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ यात्रा की मंजूरी भी दी, जगन्नाथ यात्रा भी हुई थी, मुझे जगन्नाथ देख के याद आ गया, समझ में आ रहा है? तो आप इसको क्रिटिकल बना रहे हो, क्रिटिकल है नहीं। चलिए अब हम चलते हैं आगे, बहुत बढ़िया, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन को गौर से देखो, सातवें सवाल का जवाब दो, मजा तब आएगा। सेवेंथ क्वेश्चन को देखो, सब दुनिया में सब चीज चल रही है, प्रिकॉशन रखो, कुछ नहीं होगा। आगे सवाल पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन, इनमें से किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? कम ऑन डूड, फटाफट से देखिए कितने लोग आंसर करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दो, शाबाश।
शाबाश। बहुत बढ़िया गाइस, एफ ई प्लस टू बिल्कुल सही है। अब आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशन तो कर ही ली है, अब बिल्कुल सही है, आप लोग गलत नहीं हो। और मानना पड़ेगा वाकई में तुमने कमाल कर दिया है और धोती फाड़ के एकदम रुमाल कर दिया है। ओके, तो मैं चला जाता हूं हमारे, चलिए तो हमारे आ गया हूं मैं यहां पर सेशन में, काफी बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं। तो यहां पर एफ ई प्लस टू आना था, ऐसा क्यों हुआ? मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछे गए थे आपसे, मैं इसका जवाब देता हूं। काफी बच्चों ने तो सही जवाब दिया, इसमें कोई दोरा ही नहीं है। अगर आप एफ ई प्लस टू की बात करो तो देखो एफ ई का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, ऑर्गन तक 18 होता है, उसके बाद 3D एंड देन 4S, 18 और 2 20 हो गए, 20 और 6 26 हो गए, 2 निकाल दोगे तो क्या हो गया, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर Cu प्लस की बात करें तो यहां पर तो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि 10N1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना, तो 10 ही बचे। Zn+2 की बात करें तो इसके पास भी एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन डी में नहीं है, क्योंकि 3D 10 आएगा। निकिल प्लस 3 की बात जरूर कर सकते हो, तो यहां पर ऑर्गन तक 18 है, उसके बाद 3D में 8 होते हैं, 4S में 2 होते हैं। अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 3D7 होगा, आ रहा है समझ में? तो 3D7 के हिसाब से 3 ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। तो आंसर इसका क्या होगा? काफी बच्चों ने सही दिया एफ ई प्लस टू, बहुत बढ़िया। अब अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं विदाउट वेटिंग। आठवां सवाल जरा चेक करो, 8th question। हाँ, सवाल पूछा गया है, वी हैव 3 एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ NaCl लेबल्ड एज ABC। एक बोतल पे NaCl के सॉल्यूशन है ABC, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.1, 0.01 एंड 0.001। फिर आपसे पूछा कि बताइए कि इनका जो भी वेंटो फैक्टर होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इनका जो भी वेंटो फैक्टर होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, किसका वेंटो फैक्टर ज्यादा होगा, कम होगा, इक्वल होगा, जो भी होगा वो आपको बताना है। बहुत बढ़िया सवाल है और देखिए कितने लोग इसका आंसर करते हैं। क्या बात है, 212 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, 212 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, 212 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, बिल्कुल सही है। अब ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपने क्या लिया है, NaCl। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो NaCl होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, रीजन समझो, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पहली चीज तो ये हो गई। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू क्या होता है, 100%। इस हिसाब से आई की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, अल्फा की वैल्यू तो 100% यानी कि 1 है, तो आई की वैल्यू डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ आयन पे। और नंबर ऑफ आयन NaCl जो है कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो वो दो ही आयन देगा, Na प्लस और Cl माइनस, इसका मतलब आई कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, समझ में आ गया? तो सबके आई की वैल्यू इक्वल होगी, समझ में आ गया, क्योंकि आई इज टू एन है और एन की वैल्यू 2 है, क्योंकि वो दो ही आयन देगा, क्या, एक एन ए प्लस और एक सी एल माइनस, समझ में आया? बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने क्या, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया 212, लेकिन कोई ज्यादा बढ़ता और घटता बता रहे। बेटा आप लोग याद रखो आई की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्लीज आप लिख लो, वेंट ऑफ फैक्टर इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द मोलैरिटी इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आप लोग याद रखिएगा भाई, बहुत काम आएगा, है ना। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, मैं आपको फिर से कह रहा हूं ईमानदारी से जवाब दो, मेंटी पे जाओ और कोड लगाओ 136799। अगला सवाल, पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज 5, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड आफ्टर डिल्यूटिंग द सॉल्यूशन 200 times। अगर आपने सॉल्यूशन को 100 times डिल्यूट कर दिया तो पीएच कितना होगा, डिल्यूट कर दिया मतलब बहुत पानी डाल दिया, बहुत पानी डाल दिया तो 7 के आसपास होएगा, 100 times में बहुत होता है यार, 7 के आसपास, 7 के आसपास कौन नजर आ रहा है आपको, इट्स अ काइंड ऑफ फिजिक क्वेश्चन, है ना। चलिए तो इसका आंसर बनेगा बी, मैंने बाहुबली, कितने लोग आंसर दिए देखे, इतने आसान सवाल का भी, ओहो तिरंगे झंडे में आंसर आ रहा है ये भी, नालायको। चलिए तो गलत बात है ये लड़का भी कह रहा है कि ये लड़के ना सब देख लो नीट की तैयारी है नहीं, बात करते हैं ये कि हमें कोरोना हो जाएगा इसलिए नीट का एग्जाम देना नहीं चाहते है ना, मैं भी मजे लेता हूं बट सच बात तो यही है, अंदर से ना देखो इंसान सबसे झूठ बोल देगा, खुद से तो नहीं बोल सकता, तो अपने आप से पूछो कि आपको डर किस बात का है।
ठीक है, चलिए इस सवाल का जवाब देता हूं। पहली बात तो जब पीएच आपका 5 था, ध्यान से समझना, अगर पीएच 5 है इसका मतलब एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, 10^-5, ये एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है। और अपने को पता है जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो मोलारिटी होता है, वो क्या होता है, मोल बाई वॉल्यूम। एक्चुअली मोलारिटी इज एंटी प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर बढ़ा दिया आपने तो मोलारिटी घट जाएगी, जितनी प्रोपोर्शन में बढ़ाया उतनी प्रोपोर्शन में घटेगी। तो आपको क्या करना है, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, 100 टाइम्स मतलब 100 से डिवाइड करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन घट गया, कितना घट गया, 100 से डिवाइड किया आपने, ये 10^-7 हो गया। अब एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अगर 10^-7 है, इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि यहां पर पीएच की वैल्यू 7 हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा आप खुद ही सोचो, उसके अंदर कंटेनर में था तो एसिड और बस वो आपने पानी मिलाया है, तो पानी मिलाने से थोड़ी पीएच जो है 7 के बराबर हो जाएगी। 7 पीएच तो सिर्फ किसकी होती है, सिर्फ पानी की, प्योर वाटर की होती है, प्योर वाटर, उसमें एसिड नहीं होना चाहिए, उसी की 7 होती है, अदरवाइज तो 7 नहीं होगी। तो 7 से आसपास जो आंसर आता है वो 6.7 ही आंसर है। बट बाय द वे इसको सॉल्व भी करना चाहो तो दैट्स वेरी इजी, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्ट्रीब्यूशन चेक करना है 10^-7, और पानी भी तो वहां पर है तो पानी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, वो भी 10^-7 ही है, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 2 × 10^-7 हुआ। तो बेसिकली यहां पर 7 में से log 2 की वैल्यू आपको घटानी थी, तो आंसर आता 6.7, दैट्स इट, इस तरह से आंसर निकालना था। नौवां सवाल हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं कितने बच्चों ने फोड़ा है, दैट्स रियली गुड, लीडर बोर्ड को चेक करते हैं कितने बच्चों ने फोड़ा, जरा देखें, ठीक है। पापा बाहर निकल रहे हैं, मम्मी बाहर निकल रही है, भाजी वाला आ रहा है, दूध वाला आ रहा है, सारे लोग काम कर रहे हैं, हमको एग्जाम नहीं देना। डॉक्टर प्रियांशु सिंह, क्या है बेटा आपका जवाब। अनबु, जय जगन्नाथ। नेहा शर्मा, खुशी, जगन्नाथ भगवान की जय। जेपीवी, आदर्श, पफी, नेहा गोड़ा। ओके चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दसवां सवाल, इंतजार नहीं कराऊंगा, दसवें सवाल की तरफ चलो। अच्छा तो हम चलो अगला सवाल, टेंथ क्वेश्चन। द नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 12.3 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। बहुत बढ़िया सवाल है, दैट इज रियली वन ऑफ द वंडरफुल क्वेश्चन। बस आपको ये पता होना चाहिए कि 2.3 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन का मोलर मास कितना होता है। चलो मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। थैंक यू सो मच सुरेजा। चलिए, ओह माय गॉड, मात्र 53 बच्चों ने आंसर दिया है। देखो गलत बात बेटा, इसकी तैयारी नहीं है आपकी, जरा सोचो इस क्वेश्चन को, जरा डीपली सोचते चलो। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, जरा उसको चेक करो, ये जो क्वेश्चन दिया है इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे मैं बताता हूं। सबसे पहले तो आप जरा गौर से समझना इसको, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप कर क्या रहे हो, आप यहां पर नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5NO2, उसको आपको कन्वर्ट करना है C6H5NH2 में कन्वर्ट करना है, सही है। और आपको यह भी बता रहा है कि द नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 12.3 ग्राम्स, इसके आपको वेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12.3 ग्राम, इसी को रिड्यूस करना है, ठीक है। और इतना ग्राम रिड्यूस करने के लिए आपसे पूछा गया कि कितने कूलम चाहिए, कूलम मतलब क्यू की वैल्यू चाहिए, क्यू क्या होता है, I × T, ये चाहिए। अब आपको बताता हूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका क्या होता है, दैट इज I × T डिवाइडेड बाई एन फैक्टर इंटू 96500। अब देखो I × T क्या होता है, Q डिवाइड बाय क्या होगा, N फैक्टर इंटू 96500। मैंने काफी बार ये फॉर्मूला याद करवाया। आपको कूलम की वैल्यू चाहिए, कूलम यानी Q की वैल्यू कैसे आएगी, ये चाहिए ना आपको, आपको चाहिए का Q की वैल्यू चाहिए, कूलम चाहिए, Q कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू N फैक्टर इंटू 96500, सही है। अब आप मोल्स निकालो, कितना मास दिया हुआ आपको, 12.3, ठीक है। उस मास को किससे डिवाइड करोगे, मोलर मास से। आप नाइट्रोबेंजीन का मोलर मास निकालो, 123 ही आएगा, 6 कार्बन है, 12 6 72 हो गया,
पांच हाइड्रोजन है, 72 और 5 कितना हो गया 77, प्लस क्या करोगे, एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना हो गया 14, दो ऑक्सीजन है, और सॉरी 12 छिक 72 5 और ये कितना हो गया 16 दूनी 32, अब जोड़ लो, ठीक है 123 आएगा, तो 123, ठीक है, तो ये मोल्स आ गए आपके पास, मोल्स आए 0.1, क्यू की वैल्यू निकालनी है, मोल्स 0.1 आ गए। एन फैक्टर की बात करो, अब एन फैक्टर निकालने के लिए ये जो नाइट्रोजन है बेसिकली, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है माइनस का 3, कैसे आया, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ क्या किया गया, जरा आप चेक करो नाइट्रोजन ने किस तरह से बॉन्ड बनाया, नाइट्रोजन ने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, सिंगल बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, आगे ये ऐसे ही तो है, बेंजीन रिंग है, यस। तो इस हिसाब से आप खुद ही सोचो कि नाइट्रोजन पे टोटल चार्ज कितना है, इधर माइनस का 2 है तो इधर क्या होगा प्लस का 2, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बेटा, इधर माइनस का 2 है तो इधर क्या होगा प्लस का 2, प्लस का 4 हो गया, इधर प्लस का 1 है तो इधर क्या होगा माइनस का 1, तो टोटल कितना होगा माइनस का 3 हुआ, 2 2 4 में से एक घट गया 3, माइनस का 3, इधर कितना है नाइट्रोजन पे, ऐसे निकालो नाइट्रोजन पे यहां प्लस का 3 है, सॉरी प्लस का 3 यहां आएगा, सॉरी प्लस का 3 यहां आया और माइनस का 3 यहां आएगा, मैं गलत बोल गया, उल्टा बोल गया, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन पे, नाइट्रोजन पे प्लस का 3 है, और अगर एनिलीन पे बात करें तो नाइट्रोजन पे माइनस का 3 है, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन जो है बेसिकली प्लस के 3 से माइनस के 3 की तरफ जा रही है, अगर कोई चीज प्लस के 3 से माइनस की 3 की तरफ जा रही हो तो बताओ उसमें टोटल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कितना आएगा, डिक्रीमेंट आएगा 6 का, कोई चीज प्लस के 3 से माइनस के 3 की तरफ जा रही है तो 6 का क्या आएगा डिक्रीमेंट, तो एन फैक्टर कितना हो गया 6 इंटू क्या करना है 96500, अब करके देख लो, ये तो हो गया 10, 0 से 0 कैंसिल हो गई, अब आपको 9650 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, जब आप 9650 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 57900 कूलम आएगा, ये लो जी आंसर इसका डी इस तरह से आया, ईमानदार बच्चा वही वो सारे सवाल करके जाएगा आगे, तो जी ऐसे ही है जी। चलो 11वें सवाल की तरफ चलते हैं, 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 11वां सवाल, सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी लैटिस विद द यूनिट सेल एज ऑफ 4.29 एंगस्ट्रॉम, द रेडियस ऑफ सोडियम एटम इज अप्रोक्सीमेटली, आपसे पूछा गया कि सोडियम एटम का रेडियस कितना है, सोल्व करो बेटा, ऐसे मत करो, सोल्व करो, आरती कह रही इतना कैलकुलेशन, तो बेटा डॉक्टर ऐसे तो नहीं बना देंगे ना आपको, हैं? मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, चलो फटाफट से आ जाओ फटाफट से, शाबाश, डरने का नहीं, कोई बात नहीं। तो सोडियम मेटल क्रिस्टलाइज बीसीसी, बीसीसी में यूनिट सेल आपको दे रखी है, रेडियस पूछी है, बहुत बढ़िया, 1.86, मतलब 210 बच्चों ने कैलकुलेशन करी है, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर आप बीसीसी की बात करो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो उसके लिए 4R किसके बराबर होता है √3a के, ये रिलेशनशिप आपको याद करवाए थे शॉर्ट में, तो रेडियस निकालनी है, √3 को किससे डिवाइड करना है 4, और साथ में मल्टीप्लाई किससे करना है a से, a की वैल्यू कितनी है 4.29, आर्मस्ट्रॉन्ग में आंसर आया, आर्मस्ट्रॉन्ग में दिया हुआ है, तो आप इसको कर लो, √3 को 4 से डिवाइड करो और 4.89 साथ में, √3 की वैल्यू 1.717 होती है, उसको 4 से डिवाइड करोगे तो और छोटी वैल्यू आ जाएगी, आंसर इसका सी बनेगा जो आपको दे रखा है, कैलकुलेशन करनी थी, बाकी सारा काम तो सिंपल ही था। तो बीसीसी के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना था, 4R किसकी बराबर होता है √3a के, ये तो आपको पता होगा, बस इतना सा ही काम था। चलिए 11 सवाल हो गए, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें सवाल की तरफ चलते हैं, चैंपियन वही है जो 20 सवाल करके जाएगा, बाकी तो जी है वही है। 12वां सवाल कहता है, इन द विक्टर मेयर टेस्ट कलर गिवन बाय प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल आर रिस्पेक्टिवली, मतलब आपको विक्टर मेयर टेस्ट में यह बताना है कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल क्या क्या कलर देंगे, दैट इज द क्वेश्चन, कलर क्या क्या देंगे दैट इज द क्वेश्चन, बताओ विक्टर मेयर टेस्ट में क्या 1 डिग्री अल्कोहल कुछ कलर देता है, क्या 2 डिग्री अल्कोहल कुछ कलर देता है, क्या 3 डिग्री अल्कोहल कुछ कलर देता है, बताओ। Somebody saying कि you are very honest towards your career, मैं आपको फिर से कह रहा हूं बेटा, 3-4 साल हो गए YouTube पे, और अरविंद अरोड़ा कोई नुआ नहीं है, 4 साल से YouTube पे हूं, 1600 वीडियो फ्री में डाल चुका हूं ऑलरेडी YouTube पे, और हमने ऐसे दिन भी देखे जब हमने 50 बच्चे पढ़ाए हैं, ऐसे दिन भी देखे जब 20,000 बच्चे लाइव सेशन में बैठे थे, तो 50 बच्चों से 20,000 बच्चे बिठाए हैं,
और 4 साल से हूं, और मैं उन टॉप 10 एजुकेटर्स में भी आया हूं जिन्होंने सबसे पहले यूट्यूब पे वीडियोस रेगुलरली डालने शुरू किए थे। तो कुछ तो शायद बात होगी, और हमें लालच नहीं है व्यूज का, क्योंकि हमने 50 बच्चे भी पढ़ा के बिठाया है, इसलिए हम चाहते हैं आपका एग्जाम टाइम से हो जाए बेटा, क्योंकि वक्त की बहुत कीमत होती है, और हम आपको बिठाना नहीं चाहते घर पे, हम चाहते हैं समय से एग्जाम हो। और हैशटैग चलाओ आप लोग, वो लोग जो मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, उन्होंने हैशटैग लगा दिया, हैशटैग वी डोंट वांट टू गिव द एग्जाम, हैशटैग नो एग्जाम इन COVID-19। क्यों भैया, अगर हैशटैग चलाए तो सारे हमारे फौजी भी हैशटैग चला देते, हैशटैग नो सुरक्षा इन COVID-19, देश की बॉर्डर से टाटा बाय बाय, डॉक्टर भी कह देते हैशटैग नो इलाज इन COVID-19, राशन वाला कहता है नो राशन इन COVID-19, और इतने में हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं नो प्रधानमंत्री इन COVID-19, तो देश क्या करेगा, इतने में तो चाइना आएगा कब्जा कर लेगा। चलो तो फाइनली इसलिए रियलिटी की तरफ जाओ बेटा, और ये हैशटैग से बेटा देश थोड़ी चलेगा, मेरे को तो हंसी आती है कभी कभार। और ये पढ़े लिखे IIT में पढ़ने वाले बच्चे ऐसी बातें बोल रहे हैं, अरे तुम्हारा भविष्य तो बन गया, तुम IIT में हो, खूब पैकेज उठा रहे हो और लोगों का भविष्य खराब कर रहे हो बैठ के। चलो तब आगे चलते, फाइनली 12th क्वेश्चन का आंसर देता हूं, विक्टर में टेस्ट के लिए आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो विक्टर में टेस्ट जो होता है ना, प्राइमरी देता है, सेकेंडरी पार्शली देता है, टर्शरी अल्कोहल जो है बेसिकली विक्टर में टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि उसके पास कोई हाइड्रोजन लेफ्ट नहीं होता। टर्शरी का मतलब तीनों जगह से वो कार्बन चेन से घिरा हुआ होता है, सो नो हाइड्रोजन इसका मतलब नो विक्टर में टेस्ट। तो वो टेस्ट का मतलब समझा देता हूं, तो उसके में कलर कैसे आता है जरा आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। तो कलर बताता हूं, जो प्राइमरी अब देखो रिएक्शन कैसे होती है। सबसे पहले मान लो आपने ना प्राइमरी अल्कोहल लिया, तो सबसे पहले आप HI से रिएक्शन कराते हो। HI क्या करेगा, यहां पर OH ग्रुप को हटाएगा और आयोडीन लगा देगा। उसके बाद आप AgNO2 से रिएक्शन कराते हो, आयोडीन का हटा के यहां पर क्या लग जाएगा, NO2 ग्रुप लग जाएगा। समझ में आ गया। अब ये जो NO2 ग्रुप लगा है उसमें फिर से अगर आप एक HNO2 की रिएक्शन कराते हो, ये क्या है HNO2 नाइट्रस एसिड है, दिखाई दे रहा है। तो इन दैट केस यहां पर देखो दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन पानी बना लेगा और NOH जुड़ जाएगा बेसिकली कार्बन के साथ। और बाद में अगर आप NOH की रिएक्शन कराते हो तो ब्लू कलर का आपको, ब्लड रेड कलर का आपको क्या मिलता है, ब्लड रेड कलर का आप लोगों को सॉल्यूशन मिलता है। तो यहां तो रेड कलर का सॉल्यूशन मिलता है प्राइमरी के अंदर। तो रिएक्शन देखो, पहले आपने HI के साथ करवाई और रिएक्शन तब पॉसिबल हो पाई OH को हटाना है। इधर भी क्या करोगे, HI से रिएक्शन कराओ तो OH हट जाएगा, आई आ गया। AgNO2 से रिएक्शन कराओ तो आई हट जाएगा, NO2 आ गया। अब आप HNO2 से रिएक्शन कराओ, अब एक हाइड्रोजन और ये OH ग्रुप पानी बाहर निकालेंगे। अब कार्बन के साथ देखो, एक तो NO2 ग्रुप पहले से ही है, अब ये NO ग्रुप बेसिकली कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। अब अगर आपने NaOH से रिएक्शन कराई तो ब्लू कलर का पीपीटी मिलेगा। लेकिन आप देखो टर्शरी के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, वो टर्शरी वाला क्या करता है, आपको आपकी जानकारी के लिए बताता हूं। HI से रिएक्शन कर लेगा, OH हट जाएगा और आयोडीन उसकी जगह ले लेगा। AgNO2 से रिएक्शन करेगा, आयोडीन हट जाएगा, NO2 जगह ले लेगा। लेकिन आगे इसके कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। अब क्या ये HNO2 से रिएक्शन करेगा, नहीं बेटा, ठीक है, समझ में आया। तो ये रिएक्शन आगे होगी नहीं। तो यहां रेड ब्लू और कलरलेस आंसर आना था, जो काफी बच्चों ने दिया है, 12th क्वेश्चन का आंसर दे गया। 20 सवाल करके जाएंगे, उससे पहले कहीं नहीं जाएंगे, लीडर बोर्ड की तरफ चलते हैं। जहां पर जरा चेक करें लीडर बोर्ड, अब देखिए भैया लीडर बोर्ड में जरा चेक करिए, डॉक्टर प्रियांशु, अनबु, आदर्श, JPV, संभव जैन, नेहा गौरा, पफी मैनचेस्टर, नेहा शर्मा, नतीशा बंसल। बेटा मैं एक और चीज क्लियर कर देता हूं, यहां पर कोई एक बच्चा लिख रहा है कि सर दिल्ली में बहुत बुरे हालात हैं। देखो जहां पर हालात खराब है ना, मैं खुद चाहता हूं कि वहां पर गवर्नमेंट इंतजाम करे अच्छे से, समझ में आ रहा है। मैं टीचर हूं, उससे पहले मैं एक ह्यूमन बीइंग भी हूं, तो मैं गलत नहीं चाहता हूं। जहां पर बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं वहां पर इंतजाम होने चाहिए, गवर्नमेंट इंतजाम करके दे, चाहे उसके लिए हमें थोड़ा उन जगहों पर बाद में किसी और फेज में एग्जाम करवाना पड़े, समझ में आ रहा है।
लेकिन अगर आप एक या दो हैं, जैसे मान लो दिल्ली और बॉम्बे में प्रॉब्लम है, तो दिल्ली और बॉम्बे में एग्जाम नहीं हो, कोई बात नहीं, उसको किसी और फेज में करवा लेंगे, लेकिन जहां पर प्रॉब्लम नहीं है उन बच्चों को तो एग्जाम देना चाहिए। सारे देश को उसके लिए बंद नहीं कर सकते ना। और नीट का एग्जाम अलग अलग फेज में भी हो सकता है। मान लो पहले फेज में हमने सेलेक्ट कर लिया, ये सॉल्यूशन हो सकता है, पहले फेज में सेलेक्ट करा कि चलो इस स्टेट और इस स्टेट और इस स्टेट में एग्जाम होगा क्योंकि यहां पर कोरोना के केसेस कम है, तो वहां तो कराओ। फिर उसके बाद चलो सबसे लास्ट फेज में हम लोग उनको, उन शहरों को चुन लेंगे जहां पर बहुत ज्यादा केसेस है, प्रॉब्लम है, वहां पर सबसे लास्ट में करवा लेंगे। तो कोई ना कोई ऑल्टरनेट निकालो, बजाय ये कहने के कि हम लोगों को एग्जाम ही नहीं देना, कोई फायदा नहीं है। तो ये पॉइंट है मेरा, बस और कुछ नहीं है। तो डॉक्टर प्रियांशु टॉप पे है, अनबू, आदर्श, जेपीवी, संभव, नेहा गौरा, मैंने नाम ले दिए हैं। अब अगले सवाल पर चलते हैं। बस मैं कह रहा हूं एग्जाम कैंसिल नहीं होना चाहिए, चाहे अपन दिसंबर में एग्जाम दें, ईमानदारी तो इसी बात की है, ठीक है। पर कई लोग जो है एग्जाम कैंसिल ही करवा रहे हैं, वो गलत है। चलो, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमिक लाइट ऑफ एनर्जी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या हुआ कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था जो कि ग्राउंड स्टेट पर था, ठीक है, अचानक से आपने एक मोनोक्रोमिक लाइट दे दी उसको 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो आपसे पूछा कि वो ग्राउंड स्टेट से कहां पर चला जाएगा, ये सवाल आपसे पूछा गया है, वो ग्राउंड स्टेट से किधर चला जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल है और दिस इज माई फेवरेट क्वेश्चन एज वेल। हाँ, एक टाटा ने अभी लिखा, टाटा मेघना कह रही है कि उनके वहां पर रेड जोन है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, रेड जोन मेरे यहां पर भी है और मैं डेली अपने काम के लिए बाहर निकल रहा हूं और मैं देख के हैरान रह जाता हूं कि सड़कों पर लोग हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, भाजी वाली भाजी बेच रहा है, फल वाला फल बेच रहा है। तो रेड जोन से मतलब नहीं है, रेड जोन का मतलब ये हो गया कि आपके 500 मीटर के पास कोई एक कोरोना का पेशेंट है बेटा, लेकिन वो घर पे बैठा होगा ना, वो ऐसा थोड़ी कि वो सड़क पे खड़ा होकर छींक रहा है जो तुमसे कोरोना हो जाएगा। रेड जोन पे मत जाओ, रेड जोन पे भी भाजी वाला आ रहा है ना दूध देने के लिए, भाजी वाला भाजी देने आ रहा है, दूध वाला दूध देने आ रहा है, तो बेटा काय का रेड जोन है, वो सिर्फ आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। आप ध्यान रखो कि भैया आप थोड़ा सा और एहतियात बरत के बाहर निकलो, पर रेड जोन का मतलब ये कतई नहीं है कि युद्ध हो रहा है बाहर निकलो ही मत, ये नहीं है उसका मतलब, ये गलत फहमियां लोग बढ़ा रहे हैं जिसको मतलब नहीं है। फाइनली आंसर इसका बनेगा एक, बिल्कुल यहां पर 3 आंसर होगा। कैसे आया ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ये बता दूं, ये लड़का देखो, ये कह रहा है या नो कोरोना, आई एम रेडी रेडी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन का आंसर देता हूं आपको। आपको आपको बोहर मॉडल ऑफ एटम में एनर्जी का फॉर्मूला तो पता था, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर nth ऑर्बिट का आपको एनर्जी निकालना है तो -13.6, ठीक है, और फिर क्या होता था n² z² / n² ऐसे तो फॉर्मूला होता था z² / n² तो अब मैं कहता हूं चलो पहले n=1, देखो z की वैल्यू तो कितनी होगी 1 क्योंकि हाइड्रोजन की बात करो, n1 के लिए एनर्जी कितनी होगी -13.6, ये तो पता होगा आपको, n की वैल्यू 1 रख दो, z की वैल्यू तो 1 है हाइड्रोजन के लिए, अब n की वैल्यू 2 रखो कितनी आएगी, माइनस का 3.4 है ना। अब बताओ n की वैल्यू 3 रख दो, 3 की वैल्यू मतलब -13.6 को 9 से डिवाइड करना है, ये आएगा -1.8 या 1.2 जो भी है, यही वैल्यू है जो आपने याद करी होंगी, मतलब समझो जो पहला जहां पर इलेक्ट्रॉन है वो है -13.6, अचानक से वो दूसरे माइनस का 3.4 पर चला जाता है। -13.6 और -3.4 में कितना गैप है, 10.2 का गैप है, मतलब समझो अगर मैं किसी को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दूं तो वो पहले वाले से कहां चला जाएगा, दूसरे वाले पर, समझ में आ गया। पर मैंने कितनी एनर्जी दी है, 12.1, तो थोड़ी तो और मैंने ज्यादा दी है, समझ में आया। अब जो तीसरा वाला है वो यहां है, तीसरा वाला क्या है, -1.2, ये कैलकुलेट कर लेना, बट अगर आप यहां पर पहले और तीसरे में गैप देखोगे तो ये इतने आएगा, कैलकुलेट कर लेना, ये कितना 12.1, तो ये होता है -1, 12.1, इसका मतलब 1.5 अराउंड होगा, मतलब 1.5 अराउंड है, ठीक है, तो ये 12.1, ये कैलकुलेट कर लेना, मैंने तो एक रफ आइडिया लिखा है, ठीक है। बट अगर आप देखोगे तो तीसरा जो थर्ड वाला आपके पास है, थर्ड और फर्स्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, बिल्कुल एग्जैक्टली 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा, कैलकुलेट कर लेना आप लोग, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा पहले और तीसरे में। इसका मतलब अगर आप 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे तो वो पहले से कहां चला जाएगा, सीधे तीसरे पे जंप मारेगा, समझ में आया, तो पहले से तीसरे पे जंप मारेगा सीधे, ये आंसर इस तरह से निकालना था इसका, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन दिखा देता हूं, चलो
तो ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, जरा आप इसको चेक कर लो। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, आप इस तरह से फॉर्मूला रख के भी निकाल सकते थे, ये इन्होंने फॉर्मूले से किया, मेरे को अच्छा नहीं लगता, बट ये आप, मैंने भी फॉर्मूले से मैंने एनर्जी गैप निकाले, बस इतनी सी बात है, कोई फर्क नहीं है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप भी निकाल सकते हो। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोगे तो ये पहले से दूसरे पर आ जाएगा, और अगर आपने 12.1 दिया तो सीधे पहले से तीसरे पर जंप मारेगा, तो तीसरे पर चला जाएगा वो डायरेक्टली, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। अच्छा बच्चा वही होगा जो सारे सवाल करके जाएगा 20 के 20। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव अ डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन एंड सेम शेप। इनमें से किसकी डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है लेकिन शेप सेम है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है लेकिन शेप आपको सेम ही मिलेगी, इट्स अ गुड क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग लगाने वाला सवाल है। कौन सा, ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बाय द वे इसमें जो लोग कह रहे हैं मैं क्या खा रहा हूं, ये है होल ग्रेन नट्स सीड्स, अच्छी चीज है, मतलब बुरी चीज नहीं है। क्या बात है, अब मैं इसका जवाब देता हूं आपको, अगले क्वेश्चन का आंसर आएगा सीमन कैट। अब ऐसा क्यों हुआ, अगर आप देखोगे एक्सी एफ टू की हाइब्रिडाइजेशन निकालो, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो, इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की संख्या देखनी है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कितने हैं यहां पर, दो, क्योंकि दो फ्लोरीन अटैच है। लोन पेयर कितने हैं, देखो दो इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, छह बचे, तो तीन लोन पेयर है, तीनों तो कितने हो गए, पांच, पांच के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई, sp3d, सही है। अब आ जाओ आगे, पर अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होगा, आप लोग मुझे बताओ बेटा। एक्चुअली इसकी अगर पांच के हिसाब से ज्योमेट्री देखें तो ज्योमेट्री आनी चाहिए थी इसकी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, लेकिन यहां पर एक्सी यहां होता है और एक एफ ऊपर होता है, एक एफ नीचे होता है, और आप लोन पेयर को कभी काउंट नहीं करते हो, तीन लोन पेयर उनको काउंट नहीं करोगे, समझ में आया, वो ज्योमेट्री में शेप में काउंट नहीं होता है, ज्योमेट्री में काउंट होता है, तो इस हिसाब से लीनियर स्ट्रक्चर है इसकी। अगर CO2 की बात करें तो CO2 में तो आपको सबको ही पता है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp, और स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी, लीनियर। इस तरह से सवाल का जवाब देना था, वो आपको मिल गया। 15वें सवाल की तरफ चलते हैं, 15th क्वेश्चन। अब दीजिए जवाब 15वां सवाल, गैस इन अ सिलेंडर इज मेंटेन्ड एट 10 atm प्रेशर एंड 300 प्रेशर कितना है, 10 atm, टेम्परेचर है 300 केल्विन, द सिलेंडर विल बी एक्सप्लोड इफ द प्रेशर गोज बियॉन्ड 15 atm, व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर टू विच गैस कैन बी हीटेड। 15 से ऊपर जाएगा तो एक्सप्लोड हो जाएगा, तो बस 15 तक का टेम्परेचर निकाल लो आप, बहुत सिंपल है, तो सबसे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, देखिए कितने लोग आंसर बताते हैं। बहुत बढ़िया, 450, दैट्स रियली गुड, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, 15वां सवाल तो वाकई में बड़ा आसान था। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताता हूं, देखो आप ये तो जानते हो PBSc/NRT तो पढ़े हो, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो कैसे निकालोगे, P1/T1 विच इज इक्वल्स टू P2/T2, ठीक है, तो आप देख लो P1 की वैल्यू कितनी है, 10 atm, उस टाइम पे T1 कितना था, 300, ठीक है, P2 की वैल्यू कितनी है, 15, T2 निकालना है, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 दुनी ची, अब मैं उल्टा क्या काट रहा हूं, मैं भी पागल हो चुका हूं, ठीक है, ये हो गया 0 0 कट गया, 15 3 45, 450 आंसर आ गया, 450, उल्टा काट दिया मैंने, वो ऐसा नहीं हो ऊपर नीचे, मैं भी बावड़ा हो चुका हूं। चलो तो फाइनली 15 450 आंसर आया था, जो आप लोगों ने निकाल दिया, लीडर बोर्ड की तरफ चलते हैं, और किस किसने यहां पर +4 मार्क बनाए, एक बार ठोको लाइक इस बात के लिए, लाइक हो जाए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, डू लाइक द सेशन राइट नाउ, दिखा दो दुनिया को कि हम नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, हम डरते नहीं है,
डॉक्टर प्रियांश वो भी टॉप पर है, अनबू संभव मैनचेस्टर यूनाइटेड, नतिशा बंसल, आदर्श नेहा, अश्विनी खुशी, जेपीवी। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अब मात्र 16th क्वेश्चन होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, K2Ci2O7 इन एसिडिक मीडियम कन्वर्ट्स इनटू, अभी थोड़ी देर पहले करके आए थे तो सवाल ये तो आपको आना चाहिए। K2Ci2O7 बेसिकली किसमें कन्वर्ट होगा एसिडिक मीडियम में, अभी थोड़ी देर पहले करके आए थे, आपको बताया भी था। बताओ, डू लाइक द सेशन, ठोक दिया लाइक, हाँ फातिमा दैट्स रियली गुड मेरे प्यारे बच्चे, ओके ठोको लाइक, इफ यू लाइक देन ठोको लाइक। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, ये अच्छा लगता है। फाइनल आंसर आएगा Cr+3। +3 कहां लिखा हुआ है ही नहीं क्या कहीं? 173 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया बेटा, +3 आएगा ना बेटा, लिखा ही नहीं हुआ था कहीं। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है Cr2O7-2 एसिडिक मीडियम में बेटा ये Cr+3 में कन्वर्ट होता है। कहां से आया ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है और बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं। 16वां सवाल तो बेहद आसान था, ठीक है। चलिए अब 17वें सवाल की तरफ कुछ करता है, कुछ भाई आप तो तीन ही सवाल की बात है, पूरा करके जाना। द आयोपैक नेम ऑफ K2NiCN4, आपसे पूछा गया K2NiCN4 का आयोपैक नेम क्या होता है, दैट इज द क्वेश्चन। क्या नेम होता है, ठोको लाइक, ठोको लाइक, दिल बढ़ाया तो ठोको लाइक। बिल्कुल 1000 लाइक हो चुके और हमने जवाब दे दिया है पूरी दुनिया को कि हम एग्जाम देना चाहते हैं, अरविंद सर के साथ हैं हम लोग। K2NiCN4 बहुत बड़े, इसका आयोपैक नेम पूछा गया था तो आपको सबसे पहले बहुत बढ़िया 119 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। सबसे पहले तो आपको किसको लिखना था, पॉजिटिव वाले को, तो पोटेशियम को सबसे पहले लिखना था, उसके बाद लिगेंड को लिखना था टेट्रासाइनो, उसके बाद ये नेगेटिव पार्ट है तो निकलेट आएगा, निकलेट टू, तो पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट टू, दैट इज द आंसर। काफी बच्चों ने करेक्ट दिया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। सबसे आसान होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आयोपैक नेम लिखने, प्रैक्टिस अगर अच्छी हो तो मोस्ट इजीएस्ट वर्क है। 18वां सवाल, द पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टर्फथैलिक एसिड, बहुत सिंपल है बेटा, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं टेरिलीन, जिसका नाम कुछ और भी होता है, दूसरा नाम लिखा हुआ है इसका, अगर दूसरा नाम आता है तो कर लोगे, नहीं आता तो नहीं कर पाओगे। टर्फथैलिक एसिड इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ टेरिलीन बनाया जाता है, टेरिलीन का दूसरा नाम क्या होता है वो आपको सोचना है। बिल्कुल रिएक्शन मैकेनिज्म पर बेटा बहुत सारे वीडियोस बना के रखी हैं, आप जो भी ढूंढना हो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, रिएक्शन मैकेनिज्म बाय अरविंद अरोड़ा लिख देना मिल जाएगा। यस डेक्रोन आंसर आएगा, मेरे प्यारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, बिल्कुल सही है। आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं जिसको नहीं पता, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है आप लोग बताइए, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड OH। और टर्फथैलिक एसिड क्या होता है, बेंजीन का रिंग दिया हुआ है और CWH। तो आपको पानी बाहर निकालना है, निकाल दो और जोड़ दो साथ में, इसको टर्फथैलिक एसिड बोलते हैं और दोनों के रिएक्शन से डेक्रोन बनता है, इसको टेरिलीन भी कहते हैं। आप देखना चाहो तो ये रिएक्शन होती है ओवरऑल, डेक्रोन और टेरिलीन भी कहते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने करेक्ट आंसर। अब तो दो ही सवाल बच्चे हैं बच्चों, चैंपियन वही होगा जो सारे सवाल करके जाएगा। अब मात्र दो सवाल बचे हैं, मेंटी पे चले जाओ, 1369 67 99 कोड लगाओ। लीडरबोर्ड की तरफ जा रहे हैं हम लोग, जरा चेक करें क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पर जरा देखें हम लोग, डॉक्टर प्रियांशु टॉप पे है, नतीशा बंसल, आदर्श संभव मैनचेस्टर, अनबू खुशी, अश्विनी, नेहा शर्मा एंड क्रुश पटेल। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अब आखिरी दो सवाल हैं, तुम लोगों को एकदम झंडे गाड़ने हैं। 19वां सवाल जरा चेक करो, 19th क्वेश्चन को जरा चेक करो। अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द वन विच शोज जीरो क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी। चलिए बहुत बढ़िया सवाल है और ये 20 सवालों में मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। जीरो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी गैप मतलब स्टेबिलाइजिंग एनर्जी, CFSE की वैल्यू जीरो किसके लिए होगी? आपको सारे कॉम्प्लेक्सेस ऑक्टाहेड्रल दे रखे हैं क्योंकि यहां पर सारे छे लिगेंड है, H2O एक वीक लिगेंड है तो गैप ज्यादा होगा नहीं, है ना। तो आपको बस इतना देखना है कि कहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जीरो है,
बहुत बढ़िया। देखो वेरिएबल आंसर आया, और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है बाय द वे, दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन। तो मैं इसका जवाब देता हूं आपको एकदम ठंडे दिमाग से। सबसे पहले तो आप ये देखो, जितने भी आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, उन सब में कितने कितने लिगेंड है आप लोग बताइए। छह छह, कोई भी देख लो छह छह ही लिगेंड है। अब छह लिगेंड मतलब स्ट्रक्चर क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। दूसरा जो लिगेंड है ना बेसिकली वो पानी दे रखा है, पानी एक वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है ना। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, अगर ये वीक लिगेंड है तो जो स्प्लिटिंग होगी उनमें, स्प्लिटिंग में ज्यादा गैप नहीं होगा। अगर मैंने डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कराया तो स्प्लिटिंग में ज्यादा गैप नहीं होगा। और दूसरी बात, तीन होंगे नीचे और एक होगा ऊपर, ये तो जानते हो। और जो ये जो बैरी सेंटर है उससे ऊपर नीचे कितना गैप होगा, उससे ऊपर जाओगे तो कितना होगा, प्लस का 0.6 डेल्टा नोट, नीचे जाओगे तो कितना होगा, माइनस का 0.4 डेल्टा नोट। अब अगर मान लो आपको क्रिस्टल फील्ड एनर्जी जीरो करनी है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर क्रिस्टल फील्ड एनर्जी जीरो करनी है तो कैसे करोगे, जरा सोचो। अगर मैंने तीन नीचे भर दूं तो नीचे की एनर्जी कितनी होगी टोटल, नीचे की एनर्जी होगी माइनस का 0.4 इंटू 3, नीचे की एनर्जी कितनी होगी, माइनस का 1.2। अब 1.2 ऊपर बनना चाहिए, दो ऊपर भर दूं, अगर मैंने दो ऊपर भर दिए तो कितना हुआ, प्लस का 6 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर भरे गए हैं तो प्लस का 1.2। टोटल एनर्जी कितनी हो गई, माइनस 1.2 प्लस 1.2 जीरो। इसका मतलब आपके पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन ऊपर होने चाहिए, तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन नीचे होने चाहिए, सही है। टोटल पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो किसके पास है, पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास है, समझ में आया। पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहां पर Fe प्लस 3 के पास है, ये बी ऑप्शन में Fe प्लस 3 बढ़ रहा है क्योंकि आयरन के ऊपर प्लस 3 चार्ज होगा बी ऑप्शन में। अब ये आंसर क्यों है, क्योंकि Fe प्लस 3 का ऑक्सीडेशन, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो, ऑर्गन तक 18 है, उसके बाद 3D में, देन 4s में, 4s में 2 है, 20 और 6 26। अगर आपने तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो दो यहां से निकले और एक यहां से निकला, तो 3D 5। यस, तो इसका मतलब इसके पास क्या है, पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन है और आंसर यही बनेगा। और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, किस किस का सही है ठोको लाइक, जिस जिसका सही है ये क्वेश्चन ठोको लाइक, जिसका गलत है वो स्माइली पास करो। डू स्माइल बेटा, डरने का नहीं, ठीक है, ठोको लाइक, ठोको लाइक, शाबाश। बहुत बढ़िया सवाल था, 19वें के बाद अब 20वें सवाल की तरफ चलते हैं। 20th क्वेश्चन को देखो, 20th 20वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव द कार्बलामाइन टेस्ट, इनमें से कौन है जो कि कार्बलामाइन टेस्ट देगा, आखिरी सवाल है आपका, इनमें से कौन है जो कार्बलामाइन टेस्ट देगा, लास्ट सवाल। बहुत बढ़िया, बच्चे हंसते हुए कितने अच्छे लगते हैं। अब आंसर दो इस क्वेश्चन का, बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास करेंगे हम उसको जल्दी, अभी ये सेशन ही खत्म नहीं हो रहा, लास्ट सवाल अभी बाकी है। होगा बेटा होगा, सेकंड भी होगा, डोंट वरी। इसका जवाब आएगा, याद रखो प्राइमरी अमाइन कार्बलामाइन टेस्ट देती है बेटा, प्राइमरी अमाइन सिर्फ ए में लिखी हुई है, 186 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, गलत बात। आंसर आएगा प्राइमरी अमाइन। कार्बलामाइन टेस्ट में क्या होता है, 1 डिग्री अमाइन लेते हो, जैसे कि आपने मान लो CH3 एंड देन NH2 लिया और उसका रिएक्शन आपने किससे करवाया, CHI3 से करवाया, क्लोरोफॉर्माइडोफॉर्म कुछ भी ले लो, साथ में आपने एक बेसिक मीडियम लिया, तो आपको यहां पर क्या मिलता है, CH3NC, NC का मतलब आइसोसाइनाइड तैयार होता है, इसी को कार्बलामाइन टेस्ट कहते हैं। और वो सिर्फ 1 डिग्री अमाइन ही देता है ना। और जानकारी के लिए ये देख लो, 1 डिग्री अमाइन क्लोरोफॉर्म ले लो, KOS ले लो, यहां पर NC आइसोसाइनाइड मिलेगा, KCl बाहर चला जाएगा और H2 बाहर चला जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। एंड फाइनली चलिए अब हम रिजल्ट की तरफ चलते हैं, फाइनली रिजल्ट को देखते हैं, कितने बच्चे यहां पर, बच्चे नहीं अब तो देखें कौन है यहां पर विनर। मुझे लग रहा है कि प्रियांशु बहुत ही लंबी रेस का घोड़ा है, ये डॉक्टर बनना चाहता है, एग्जाम देना चाहता है और यही जीता है। सारे बच्चे जो हैं बहुत बढ़िया, डॉक्टर प्रियांशु सिंह राव, लड़के के जज्बे के लिए लाइक हो जाए एक बार, डू लाइक द सेशन। और मेरी रिक्वेस्ट है, जो मैंने शुरू में आप लोगों को मैसेज दिया वो सब बच्चों तक पहुंचाओ, ताकि उनकी आंखों के आगे जो पर्दा डाल दिया है चैनल वालों ने, दूसरे चैनल वालों ने, जो आपको घर बिठाना चाहते हैं, बैठे रहो और उनके वीडियो देखते रहो,
उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ और उनको कहो कि बेटा अपने आपसे सवाल पूछो कि तुम नीट का एग्जाम क्यों नहीं देना चाहते, क्या कोरोना के डर से या फिर तैयारी नहीं है, है ना, समझ में आया। और उस टीचर से भी पूछो जो पोस्टपोन कराना चाहता है, तुम पोस्टपोन क्यों कराना चाहते हो, क्या तुम चाहते हो हम घर पे बैठे रहें, है ना। तो प्लीज डोंट डू दैट। और एक टीचर को हमेशा देश की भलाई के लिए सोचना चाहिए, पहले देश आता है, बाकी चीजें बाद में आती हैं, ठीक है। और मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं, मैं पहले क्लियर कर देता हूं, मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम जबरदस्ती कराओ, नहीं, पर जहां पर माहौल ठीक है वहां पर एग्जाम की शुरुआत तो करो, समझ में आता है। और बाकी जहां पर माहौल ठीक नहीं है वहां पर गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से अच्छे तरीके से इंतजाम करने के बाद बच्चों का एग्जाम करवाना चाहिए। तो मैं इस चीज के सपोर्ट में हूं, मैं सिर्फ इतनी बात बोल रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं एग्जाम होना चाहिए, कब हो वो तो हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ट्विटर पे डिसाइड नहीं होता, हमारी गवर्नमेंट जो है पूरे देश को देख के डिसाइड करती है, हमारा जो हमारा हाई कोर्ट है वो डिसाइड करेगा, मैं कोई नहीं होता हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एग्जाम होना चाहिए बच्चों का, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है और यही बच्चे डॉक्टर बनेंगे, और यही बच्चे डॉक्टर बनने के बाद अगर खुदा ना खास्ता 5 साल 10 साल बाद फिर से कोरोना की कोई प्रॉब्लम आ गई तो यही बच्चे कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर बन के सिपाही की तरह हमारा साथ देंगे, ठीक है। और डॉक्टर भी उसी को बनना चाहिए जो हमारा साथ दे अगर अगली बार कोई कोरोना जैसी प्रॉब्लम हो जाए तो, डर के भागने वाले डॉक्टर ना बने तो ज्यादा अच्छा है। चलो भैया, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच फाइनली, वाह क्या बात है, बाय बाय, कितनी स्टाइल से बाय बोल रहा है ये। अगर आप अभी भी क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, 23999 नहीं है बल्कि 3999 रुपए है, और AA2020 ये क्रैश कोर्स का कूपन कोड है, लेना चाहो तो आप ले लेना, आपकी मर्जी है। इसके अलावा आप अपने जो जूनियर्स हैं उनको प्रो सब्सक्रिप्शन दिलाओ बच्चों, लॉन्ग टर्म अगर कोर्स करना चाहता है कोई बच्चा 2021 के लिए तो क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और बहुत फायदा है इसका, इसके लिए आप लोग कूपन कोड दे रहा हूं, दैट इज AA प्रो, बहुत फायदा है इसका, अगर आप करना चाहते हैं तो जो करना चाहते हैं उनको दिलवाओ, है ना, AA प्रो, उसके लिए क्या करना है, लॉन्ग टर्म कोर्स के लिए vdnt.in/YT Pro ये, ठीक है। एंड हमारी जो ऐप है उसको डाउनलोड करना मत भूलिएगा, प्लीज करिए, मजा आ जाएगा आपको। और हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा बच्चों, वेदांतु नीट ऑफिशियल, सब्सक्राइब करो चैनल को, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अपनी फैमिली अपना परिवार है। और हम लोग हैशटैग क्या लिखोगे, अब कोई अगर टीचर बोलता है कि हमको नीट पोस्टपोन कराना है तो तुम हैशटैग में नीचे लिख के आना, हैशटैग मैं एग्जाम देना चाहता हूं, I want to give exam, हैशटैग I want to give exam, ये हमारा हैशटैग है, क्या है हमारा हैशटैग, I want to give exam, समझ में आ गया। हाँ एजेंट मैक्स, तेरे पापा ने, तूने तेरे पापा को ये बोला या तेरे पापा ने तुझे ये बोला, ठीक है, यस, हैशटैग I want to give exam। चलो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, दिस इज अरविंद वोरा साइनिंग ऑफ, मिलेंगे आप अगले लेक्चर में, जय श्री कृष्णा, जय 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 रामा रामा, चलो बाय, थैंक यू।